कही अनकही बातें शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप वहाँ जरूर जाना चाहेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सारंगपुर हनुमान जी कष्टभंजन मंदिर की। यहाँ महाराजा बनकर भक्तों के दुख दूर करते हैं हनुमान जी। श्री राम के प्रिय और भक्तों के दुख हरने वाले प्रभु हनुमान की महिमा अपरंपार है। उनके विविध रूप श्रद्धालुओं को सुख प्रदान करने वाले हैं। बजरंगबली के ऐसे ही अनूठे स्वरूप की झलक गुजरात के सारंगपुर स्थित कष्टभंजन मंदिर में देखने को मिलती है। यहाँ हनुमान जी एक महाराजा की तरह अपनी प्रजा के सारे दुख दूर करते हैं। कष्टभंजन हनुमान मंदिर सारंगपुर अहमदाबाद के भावनगर रेलवे लाइन पर स्थित वोटाज जंक्शन से करीब 12 मील दूर है। मंदिर में हनुमान जी की बलवान स्वरूप की मूर्ति स्थापित है। कष्टभंजन हनुमान मंदिर की स्थापना 1905 विक्रम संवत में हुई थी। इस मंदिर की नींव अश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी में पड़ी थी। इस मंदिर को सदगुरु गोपाल नंद स्वामी ने बनवाया था। जानकारों के अनुसार करीब 200 वर्ष पहले स्वामी नारायण मंदिर के स्थान पर सत्संग कर रहे थे। वे उस समय बजरंगबली की भक्ति में लीन थे। तभी स्वामी नारायण को हनुमान जी के उस दिव्य रूप के दर्शन हुए। इसी के बाद मंदिर का निर्माण हुआ। कष्टभंजन हनुमान मंदिर का निर्माण स्वामी नारायण के भक्त गोपालनंद स्वामी ने कराया था। उन्होंने यहाँ बजरंगबली के बलशाली स्वरूप की मूर्ति स्थापित कराई। मंदिर प्रशासन के अनुसार बजरंगबली की मूर्ति में साक्षात भगवान विराजमान हैं। मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा के समय स्वामी गोपालनंद ने इसे एक रॉड से स्पर्श किया था, तभी मूर्ति में जान आ गई और वह हिलने लगी। मंदिर में हनुमान जी की प्रभावशाली मूर्ति है। यहाँ बजरंगबली रौबदार मूछों के साथ एक महाराजा की तरह सिंहासन पर विराजमान है, जबकि उनके चारों ओर वानर सेना का दल है। मंदिर में जिस सिंहासन पर बजरंगबली विराजमान है उसमें 45 किलो सोना और 95 किलो चांदी का प्रयोग किया गया है, जबकि हनुमान जी के मुकुट में असंख्य हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। सिंहासन के पास सोने की गदा रखी हुई है। यूं तो कर्म फल दाता शनि सभी से डरते हैं, लेकिन शनि देव खुद बजरंगबली से डरते हैं। सारंगपुर कष्टभंजन मंदिर में शनिदेव हनुमान जी के पैरों के नीचे हैं। शनिदेव यहाँ एक स्त्री के रूप में हैं। प्राचीन काल में शनिदेव के प्रकोप से सभी लोग परेशान थे। भक्तों ने हनुमान जी से इस संकट के निवारण की प्रार्थना की। तभी बजरंगबली ने शनिदेव को मारने का निर्णय लिया। चूंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, वे स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते थे। इस कारण उनसे बचने के लिए शनिदेव ने स्त्री का रूप धारण किया था। शनिदेव के प्रकोप से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी को निर्देश दिया। तभी हनुमान जी ने बुराई के प्रतीक को खत्म करने के उद्देश्य से शनिदेव का दमन किया। उन्होंने शनिदेव को अपने पैरों के नीचे रखा। शनिदेव के दुष्प्रभाव से बचने के लिए भक्त मंदिर में नारियल चढ़ाते हैं। कष्टभंजन मंदिर में भूत प्रेत बाधा व अन्य नकारात्मक शक्तियों का भी नाश होता है। ऐसा माना जाता है कि भूत बाधा के पीड़ित को या बजरंगबली के सामने लाने वो उनकी आंखों में देखने से समस्या दूर हो जाती है। इसलिए यहाँ विशेष पूजा शनिवार के दिन होती है। जिन लोगों पर नकारात्मक शक्तियाँ हावी होती है और वे मानसिक रूप से विचलित होते हैं, ऐसे लोगों को बजरंगबली की मूर्ति के सामने खड़ा किया जाता है और उन्हें वह रॉड स्पर्श कराई जाती है, जिसका इस्तेमाल मूर्ति स्थापना के समय स्वामी गोपालनंद जी ने किया था। शनिवार को होने वाली प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मंदिर प्रशासन एक विशेष पुजारी को नियुक्त करता है। उसका ब्राह्मण होना जरूरी होता है। भूत प्रेत दूर करने के दौरान पुजारी पीड़ितों को मंदिर की परिक्रमा व स्वामी नारायण महामंत्र के जप करने के लिए कहते हैं। मंदिर की देखरेख करने के लिए कोठारी गोर्धन दास ने सन 1899 में शास्त्री यंगना पुरुष को नियुक्त किया। शास्त्री ने अपने समय काल में मंदिर प्रांगण का विस्तार किया। इसी के साथ मंदिर के पास में अपने आवास का भी निर्माण कराया। दोस्तों, ये मंदिर सच में एक चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पे जाने से सभी के कष्ट जरूर दूर हो जाते हैं।
आप भी इस मंदिर में जरूर जाएं और अपने सारे दुखों को दूर कीजिए। ऐसी ही और अनकही बातें जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ कही अनकही बातें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।